क्या बना रही है री? सैंडविच। सैंडविच आता है बनाना? हाँ देख रही हूँ जरा सैंडविच कैसे बना रही है। घी लगाया है टोस्टर में, दिखाओ। अरे वाह, घी का चपेट रही है, देसी लगा रही है क्या? आज क्या दिमाग में आ रही थी सैंडविच खाने की? यार चटोरी है ना, पता वो तो मुझे पता है। है पता है, मैंने तो चटोरी हो गया। इतनी चटोरी क्यों हो गई तू? क्योंकि आप मुझे डर रहे हैं। नहीं है तो चटोरी नहीं हूँ। किसने कहा है मैं चटोरी हूँ? पापा ने कहा। पापा तो ऐसे ही कहते रहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखा ना, सैंडविच बना रही है, पूछ रही है मम्मी आलू कैसे उबलेंगे, पतीले में कितनी देर में उबल जाएंगे। पतीले में लगेगा भाई टाइम? मैं ये बता दो ना कितनी देर लगेगी। मैंने कहा पतीले में टाइम लगेगा, क्या करना है? मैं कह रही मुझे सैंडविच बनाना है। मैंने कहा कुकर में ही उबाल ले फिर। कुकर में उबाल के लाई है अब आलू वालू, और ये देख सैंडविच बनाने की कोशिश कर रही है। देखो इससे पहले सैंडविच बनाया तूने? नहीं बनाया? तो फिर आज बना लेगी पक्का। सॉस कहाँ है? सॉस तो लाई नहीं, सॉस के बिना ही बना रही है। तो ये बना रही है सैंडविच और चाय चढ़ा के आई है अभी, और अपने ही बना रही है, मेरे भी बना रही है। देखो दो दो है तो दोनों तेरे ही हैं कि मेरा भी है कुछ? है। अगर आपको खाना है और पापा देखेंगे तो वीडियो, फिर कुछ नहीं। पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? दोनों माँ बेटी बना बना के खाती रहो। और ये इसने बना लिया सैंडविच और सॉस के साथ। आइए खाइए, टेस्ट करिए कैसी बनी है। अच्छी बनी है? मैं चेक टेस्ट करके देखती हूँ। अच्छी बनी है। ये आ गई है ऑफिस से। क्या लेकर बैठ गए? अच्छा टाइम है ज्यादा, वैसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। वीडियो का शौक लगा आजकल है ना? ये बनाने लगे अपने वीडियो। वीडियो क्या बना रहे हैं, सीख रहे हैं। आजकल शौक लगा नया नया है ना, नया नया शौक लगा है वीडियो बनाने का। सब मत बताओ, मजाक उड़ाएंगे मेरा। मैं तो वैसे बैठा हूँ, अभी तक आया हूँ। हाँ तो वही बोल रही ना, बस सीख रहे हो, इसमें चलाना सीख रहे हो, ये थोड़ी का वीडियो बना रहे हो। मेरी यहाँ सब्जी रखी हुई है गाजर मटर की बनाने के लिए। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में और वो चले गए हैं अपने चिल्लर पार्टी को लेने किचन से, और अभी अभी आए थे ऑफिस से। तो बस ये अपना फोन वोन देख रहे थे। आजकल कुछ पता नहीं क्या शौक लगाया, नई नई ऐप देखने लगे हैं। तेरी पंगे लेती रहेगी, चलो लड़ते लड़ते ही आएंगे पहले से ही। बढ़िया है बेटा, ऐसे कैसे दुखी हो गया पढ़ते पढ़ते? हैं? ऐसे कैसे पढ़ते पढ़ते दुखी हो गई? कहाँ पढ़ाई? आमिर पास आया। क्या नहीं दिलाया? चीज नहीं दिलाई? फिर ये जरूरी है भाई, मतलब ट्यूशन से आओगे तो चीज लेनी है, ये जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जबरदस्ती नहीं तो रास्ता होगा, जब तक आप मेरे पास आ। इधर दब गई, दब गई होगी वो। देखो कुछ नहीं दबा उसे, चीज लेनी है बस, बहाना हो गया ना, चीज लेनी है उसे। चुप चुप, तेरे को चीज लग लाऊंगा। चल चल चल,
ये इनको धोना है ना, 10-5 रुपए की सिर होना है ना, 100 रुपए। आप जब तक चीज नहीं ले लेगी ना, मोटू पतलू देखा आ गई ना चीज के नाम से आशीष के थोड़े। मुझे तो आपको बताना चाहिए क्या ब्लू ब्लैक पेन लाना तेरा। हाँ ब्लैक पेन आना। टाई इनकी स्कूल में टाई लगती है क्या? सर्दी में लगती है। इनकी टाई काम ही पहले वाली टाई तो रखी थी, पता नहीं अब एक तो मिल गई एक नहीं। ये कैसी फोटो है? ये ऐसी है बेटा, चल तो अभी टाई ला देंगे। ये दीको आ गई है ट्यूशन से, अपने बाजू बाजू ऊपर संगवा रही है, अब चलेगी बर्तन मारने। आ गई जवान, अभी करेंगे बर्तन साफ। इधर देखो मिल गई, कोई बात नहीं ले लो। रात में लेके सोई थी ना इसलिए वो यही रह गई थी। मन कहे ना, इधर देख सुन, इधर देख, जब इसमें देखते हैं ना यूं बोलते हैं फ्रेंड्स ये तो बच्चा रोता है, है? शर्मा के बन गया। कौन बांदर की औलाद? बांदर हो वैसे, बांदर की औलाद बांदर। क्या कर रहा है? मुझे क्या पता क्या कर रहा है? भाग रहा है। अब बहुत खेल लिया अब बच्चों के साथ, अब मेरी भी मदद कर दो। फिर कैमरा लेके बैठ गई, मैं क्या मदद कर दो इसमें? मैं तेरे वीडियो के सामने नहीं बात करूंगा तो अपने तेरे सारी दुनिया पता लग जाएगी मेरे हालात। वो तो इसमें बोल गए बोल गए आप। मैं अपना दर्द नहीं दिखाना चाहता किसी को। मैं कह रही हूँ दर्द तो दिख गया आपका इसमें, बोल जो आपने बोला है वो दर्द तो दिखाई दे गया आपका। क्या खेलूं क्या खेलूं? ये एक पापा के पीछे लग गए, क्या खेलूं बता, क्या खेलूं बता, बता। ओ, गिरेगी। क्या खेलूं? क्या खेलूंगी बताओ। इनके साथ खेल लो, ये फ्रेंड्स होते हैं ना, इनके साथ खेल लो। खेलोगे? हैं? क्यों क्यों? मम्मा साथ ही खेलेगा है? मम्मा साथ खेलेगा क्यों? मम्मा साथ क्यों खेलेगा? मैं मम्मा हूँ। फिर मैं मम्मा हूँ तो फिर क्या हो गया? मैं तो दिखूंगी तो मम्मा हूँ। तो दम दिया क्यों बेटा, ऐसा नहीं करते। दोनों अच्छी है मेरे दीपू। एक गाना आ रहा है वो सुना आपने? बेबी मेरी एनिवर्सरी पे मुझे क्या दिलवाओगे? ब्रेकअप हो जाएगा खाली हाथ जाओगे? ब्रेकअप उनका होगा जब कहा रहे हैं। हमारा तो बेल्डिंग लग रही है, मतलब कंफर्म कर लिया आपका तो ब्रेकअप होगा नहीं है? हमारा तो बेल्डिंग डे मनता हमारा तो। बताओ ना उसमें फिल्म में कौन सा है वो? हैप्पी वेल्डिंग डे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता ना। मैं लोहे से लोहे के पटाखे को वेल्डिंग दे आदमी से। तो जी मैं आ गई हूँ अब अलमारी की साइड, कपड़े अपने देखने और तय करने, क्योंकि मेरी अलमारी हो चुकी थी बिल्कुल खराब। कपड़े सब हो गए थे इधर थे उधर, कोई कपड़ा मुझे मिल नहीं रहा था पहनने का। तो और देखो कितने कपड़े निकले हैं, ये अलमारी में भी लगा दिए मैंने, यहाँ भी है। और जब कहीं जाने लगो ना तब ऐसा लगता है कि कपड़े ही नहीं है हमारे पास, एक एक कपड़ा ऐसे ढूंढने लगते हैं जैसे कि है ही नहीं हमारे पास कपड़े। और जब तय करने लगो तो ऐसा लगता है कि हमारे पास कितने सारे कपड़े हैं, यूं ही ले लेके रख रखे पहनते हैं ही नहीं, क्या करें है? ये कर रही हूँ मैं धीरे धीरे, आप कहते हो रोज साफ सफाई कर रही हूँ,
रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करती हूँ ना, तो एकदम से बोझ नहीं पड़ता, वरना रोज सफाई करने बैठूंगी ना तो पूरा पूरा दिन चला जाएगा, फिर मेरे बाकी के काम रह जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। अब जैसे मैंने अब शाम का टाइम है, कितने बज गए, 7:30 बज गए हैं, अब इसके बाद मैं रोटियां सेकूंगी। और मैं अब जैसे एक्स्ट्रा में काम करती हूँ, ये मेरे एक्स्ट्रा का काम है समझो, ये मैं अब कर रही हूँ खाली। जब मैं खाली हो जाती हूँ ना, तब मैं ऐसा काम लेके बैठती हूँ कि सफाई भी हो जाए धीरे धीरे और फैलावा भी ना फैले, तो वही है। अब खाली टाइम में मैं सोचा अब खाली बैठूंगी तो मैं यही तय कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ कपड़े, तो वही लगा रही हूँ मैं अब कपड़े, और ये धीरे धीरे सफाई भी करती हूँ क्योंकि महीने का एंड आ जाता है, तो महीने में मैं लगभग एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ। सफाई तो हम हर रोज करते हैं घर की, लेकिन डीप क्लीनिंग एक महीने में एक बार होनी चाहिए, तो वो अब महीना खत्म हो रहा है तो वो डीप क्लीनिंग ही चल रही है अब धीरे धीरे, 3-4 दिन तक चलेगी लगभग। और सफाई करेंगे फिर दिखाएंगे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग, कुछ नया भी दिखाएंगे, इसलिए सफाई चल रही है अभी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नए वीडियो में।